दोस्तों, कुछ चंद महीने पहले मैंने कुछ लाइंस लिखी थी जो आज आपके सामने साझा करने जा रहा हूं कि जुस्तजू जिसकी है उसे पाना आता है मुझे, जुस्तजू जिसकी है उसे पाना आता है मुझे, लकीरें अपने हाथों की बनाना आता है मुझे। और क्या हुआ जो बीच मझधार में फंस गए संदीप, क्या हुआ जो बीच मझधार में फंस गए संदीप, सूरज हूं हर जर्रे से निकलना आता है मुझे। दोस्तों, एक बहुत बड़े डॉक्टर हुए हैं जिनका नाम है डॉक्टर बर्ने सेगल। जी हाँ दोस्तों, डॉक्टर बर्ने सेगल, उन्होंने एक किताब लिखी है। मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि यदि आपके पास वक्त हो तो जरूर इस किताब को पढ़ें। उस किताब का नाम है लव पीस एंड हीलिंग। दोस्तों, इस किताब की ब्यूटी ये है कि इसमें जो भी उनके प्रैक्टिकल लाइफ में सच्ची घटनाएं हुई हैं उसका बहुत बखूबी से जिक्र किया गया है। इसी किताब में एक एग्जाम्पल है दोस्तों कि एक लेडी थी जो कैलिफोर्निया के लॉस एंजलिस में रहती थी और 70-75 साल की उनकी अवस्था रही होगी। उस समय उन्होंने सोचा कि क्यों नहीं समाज सेवा किया जाए, और उस समय 70-75 साल में वो क्या ही समाज सेवा करती, लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारा और पास के हॉस्पिटल में गई, एक ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर से मिली और बोली कि जो भी कैंसर पेशेंट हैं और फोर्थ स्टेज में है, जो बहुत डेंजरस होता है, वहां से पेशेंट नहीं बच के निकलता है जनरली, ऐसा देखा गया। तो फोर्थ स्टेज में जो कैंसर पेशेंट थे उनके बारे में उन्होंने बोला कि उनकी कुछ तस्वीरें मुझे दे दीजिए, मैं घर मंदिर में जहां भगवान रहते, भगवान की तस्वीरें हैं वहां पे मैं इनकी भी तस्वीर रखूंगी और जब भगवान की पूजा करूंगी तो इनके लिए भी प्रे करूंगी। डॉक्टर को यह बात अच्छी लगी, उन्होंने 3 फोटो उनको दे दिया और कहा जाता है कि जब वो भगवान की पूजा करती थी तो उनके बारे में भी कहती थी कि ये भी अच्छे हो जाएं, इनके छोटे छोटे बच्चे हैं, जल्दी ठीक हो जाएं। और उसके बाद एक बहुत बड़ी चीज हुई दोस्तों कि वो इमेजिन कर लेती थी कि वो खुद डॉक्टर है, मतलब वो जो लेडी है 70 और 75 ईयर्स के बीच की जो थी, वो खुद इमेजिन कर लेती थी कि वो खुद ही डॉक्टर हैं और वो उनके जर्म्स को, कैंसर के जर्म्स को उनके अंदर से निकाल रही हैं और फिर इमेजिन कर लेती थी कि वो ठीक हो गए हैं। इस तरीके से दिन बीतता गया। 2 महीने के बाद जब वापिस वो हॉस्पिटल में गई और वो डॉक्टर साहब से पूछी तो डॉक्टर साहब ने बोला कि वो 3 पेशेंट डिस्चार्ज हो चुके हैं और उनके अंदर अब कैंसर का कोई सेल नहीं पाया गया है। और इस तरीके से डॉक्टर ये लिखते हैं अपनी किताब में कि इसी तरीके से 36 से ज्यादा पेशेंट रिकवर हुए। तो दोस्तों, ये पावर होता है इमेजिनेशन का और गॉड पावर, मतलब इमेजिनेशन पावर आपका और गॉड पावर दोनों एक साथ एम्बेडेड हो जाएं, एक साथ कंबाइंड हो जाएं, एक साथ ऐड हो जाएं, तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आपको मेहनत नहीं करनी चाहिए, लेकिन मेहनत करिए, इसके साथ साथ आपकी इमेजिनेटिव पावर भी बहुत जबरदस्त काम करती है और गॉड का पावर भी बहुत जबरदस्त काम करता है। थैंक यू सो मच।